Hello. Once again, we will be starting chapter number 2, part 2. We concluded on page number 17. Now, we will be starting from page number 18, which says, what are the deficiencies caused by proteins? A diet that does not have enough of proteins will lead to malnutrition. वो फूड जिसमें प्रोटीन्स नहीं होता उससे क्या होता है, कुपोषण होता है, हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन प्रॉपर्ली नहीं मिलता. प्रोटीन कैलोरी मैलन्यूट्रिशन इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन, और इसे शॉर्ट फॉर्म में हम PEMB कहते हैं, प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन. इनसफिशियंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन इन डाइट कॉजेज अ डिजीज कॉल्ड किलोस्कर. दिस डिजीज अफेक्ट्स चिल्ड्रन लिविंग इन पॉवर्टी इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. प्रोटीन की इनसफिशियंट सप्लाई से एक डिजीज होती है जो कि ज्यादातर जहां पर बारिश बहुत ज्यादा होती है ट्रॉपिकल प्रदेशों में, जो लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं उनको होती है. जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं, दो किड्स दिखाए गए हैं जो कि माल न्यूट्रिएंट है. इफ द डेफिशिएंसी इज स्पेशली लो इन कैलोरीज देन द कंडीशन इज कॉल्ड मैरसमस. और अगर इस कंडीशन में लो कैलोरी वाला फूड हम खाते हैं तो हमें एक तरह की बीमारी जिसका नाम मैरसमस है वो अटैक करती है, और ये ज्यादातर बच्चों में और यंग चिल्ड्रन में होती है. बिकॉज इस मैलन्यूट्रिशन की वजह से वेट जो है वो कम होता है और बॉडी में वीकनेस आ जाती है. रोल ऑफ विटामिन्स इन आर डाइट, अब इसके बाद हम आएंगे विटामिन्स में. विटामिन्स क्यों आवश्यक है हमारी बॉडी के लिए? विटामिन्स आर रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड मेंटेनिंग गुड हेल्थ. विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस. आजकल हम कोविड की ईरा में जी रहे हैं और एक चीज हम बार बार सुन रहे हैं कि इसकी प्रोटेक्शन के लिए इम्यूनिटी स्ट्रांग करिए और विटामिन सी खाइए, संतरे खाइए, खट्टी चीजें खाइए, नींबू का उपयोग कीजिए, जिंजर खाइए, और जिससे कि हमें बिल्कुल क्लियर रहे कि विटामिन्स जो हैं वो हमारे बॉडी में इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं. डिफरेंट विटामिन्स हैव बीन नीडेड नेम्ड एज ए बी सी डी एंड ई. ईच टाइप ऑफ विटामिन इज वेरी स्पेसिफिक इन इट्स फंक्शनिंग. विटामिन्स आर रिक्वायर्ड इन ए वेरी माइन्यूट क्वांटिटीज बाय आवर बॉडी बट देयर इनसफिशियंट सप्लाई इन डाइट नीड्स टू न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी डिजीजेस. डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिशन विटामिन्स होते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, सी, डी, ई एंड के. सब में तरह तरह के डिफरेंट टाइप के फंक्शंस हमारी बॉडी में करते हैं. ये हमें बहुत कम मात्रा में चाहिए होते हैं, लेकिन अगर हम प्रॉपरली फूड में इनको सम्मिलित नहीं करेंगे तो हम डेफिशिएंसी डिजीजेस के शिकार हो जाएंगे. अब ये रोल क्या है विटामिन का हमारी बॉडी में, हमारी डाइट में? विटामिन हेल्प बूस्ट इम्यूनिटी, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है. स्ट्रेंथन बोन्स, बोन्स को मजबूत करता है. हील वूंड्स, अगर कोई चोट लग जाए उसे ठीक करने में हेल्प करता है. बॉल्स्टर आई साइट एंड असिस्ट इन ऑब्टेनिंग एनर्जी फ्रॉम फूड, हमारी आंखों की रोशनी को बढ़ाता है और फूड में जो एनर्जी होती है उसे सोक करने में भी हेल्प करता है. मेनी ऑफ द विटामिन्स हेल्प एंजाइम टू डू देयर टास्क, हेंस दे रेगुलेट बॉडी एक्टिविटीज. और बहुत सारे विटामिन्स जो है एंजाइम्स को डायरेक्ट करते हैं कि वो उन्होंने क्या क्या कार्य करना है, जिससे हमारी बॉडी की एक्टिविटीज जो है रेगुलेट होती हैं. The important vitamins, their sources, functions and deficiency, diseases and their symptoms are given in the following table. There is a table on page number 19 which shows the vitamins and their sources, the function they do, और अगर हम उसे properly नहीं लेंगे तो कौन कौन सी deficiencies हमें हो जाएंगी, diseases हो सकती है, और उन diseases के symptoms क्या है. First is vitamin A, source green leafy vegetables, fruits, butter, etc. Functions keep eye, hair and skin healthy. अगर नहीं खाएंगे तो नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब रात को दिखना बंद हो जाएगा. ड्राइनेस ऑफ आईज, इम्प्रॉपर विजन. और इसके सिम्टम्स क्या है, लक्षण क्या है? आंखों में ड्राइनेस रहेगी और जो हमारे देखने की जो विजन है वो इम्प्रॉपर रहेगी, हम ठीक से नहीं देख पाएंगे, ना दूर की चीज ना पास की चीज. देन इट्स विटामिन B1. सोर्स है एग्स, ग्रेन, स्प्राउट्स, हेल्प इन डाइजेशन. अगर नहीं खाएंगे या कमी होगी तो बेरी बेरी नाम का रोग हो जाएगा. और इन्फ्लेमेशन ऑफ नर्व्स और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, मतलब आंतों में सूजन आ जाएगी और डाइजेशन में प्रॉब्लम होगी. विटामिन B2, सोर्सेज आर मिल्क, वेजिटेबल एक्सेट्रा. कीप आर स्किन एंड माउथ हेल्दी. स्किन डिसऑर्डर्स होंगे अगर हमारी बॉडी में इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी. इरिटेशन ऑफ आइज एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ टंग, जब हम कहते हैं कि हमारे को मुंह में छाले हो गए, दैट इज एक्चुअली द डेफिशिएंसी ऑफ B2 इन आवर बॉडी, दैट इज द मेन सिम्टम.
Then B12, it comes from eggs, fish and meats, etc. Help in formation of red blood cells. अगर नहीं खाएंगे या improperly लेंगे तो अनीमिया हो जाएगा, ब्लड में आयरन की कमी हो जाएगी. पेल स्किन, मतलब स्किन में कोई ग्लो नहीं होगा. लैक ऑफ स्टेमिना और एपेटाइट, बॉडी में कोई शक्ति नहीं रहेगी और हमारी भूख भी मारी जाएगी. विटामिन सी सोर्स सिट्रस फूड, खट्टे फल, टमेटोज, स्प्राउट पल्सेस एटसेट्रा. हेल्प्स टू रेजिस्ट इन्फेक्शन एंड कीप्स टीथ एंड गम्स हेल्दी. अगर नहीं खाएंगे डेफिशिएंसी डिजीज होगी, स्कर्वी, लूजनिंग ऑफ टीथ, जिसमें क्या होगा हमारे दांत जो है वो लूज होकर गिर जाएंगे. स्लो हीलिंग ऑफ वूंड्स, चोट लगने पर जो हमारे वूंड्स हैं वो देर से ठीक होंगे. और वीकनेस, और हमेशा थकान रहेगी. देन विटामिन डी सोर्सेज आर मिल्क, फिश, एग्स. हेल्प्स इन नॉर्मल ग्रोथ ऑफ बोन्स इन चिल्ड्रन. अगर नहीं खाएंगे डेफिशिएंसी डिजीज रिकेट्स हो सकती है, जिससे वीक बोन्स हो जाएंगी, कमजोर हड्डियां होंगी, जॉइंट्स और बोन्स में डिफॉर्मिटी, मतलब वो टेढ़े मेढ़े होने स्टार्ट हो सकते हैं. देन विटामिन ई सोर्सेज आर वेजिटेबल, मिल्क, बटर एक्सेट्रा. स्किन हेल्दी रहेगी. न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, मतलब दिमागी कोई प्रॉब्लम हो सकती है अगर विटामिन ई हम प्रॉपरली नहीं लेंगे तो, और मसल्स जो है वो हमारी जो मांसपेशियां हैं वो भी कमजोर हो जाएंगी. विटामिन के कम्स फ्रॉम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, स्पिनच, कैबेज एक्सेट्रा. पालक में और कैबेज में मिलता है. हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग. जब हम ये बहुत बार देखते हैं कि हमें कोई चोट लग जाती है तो तुरंत ही खून जमना शुरू हो जाता है, दैट इज अ क्लॉटिंग एंड विच कम्स फ्रॉम विटामिन के. अगर हम इसका कम मात्रा में उपयोग करेंगे, खाएंगे, तो हमको ब्रेन हैमरेज हो सकता है. डिफिकल्टी इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, जिसका मतलब है कि अगर कभी हमें चोट लगे तो वहां पर खून बहुत देर से जमेगा, जिससे हमारी बॉडी से खून का लॉस जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा. नेक्स्ट आर मिनरल्स. व्हाट आर मिनरल्स? आवर बॉडी नीड्स स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सम एलिमेंट्स सच एज सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, आयरन, फ्लोरीन, सल्फर, फास्फोरस एंड आयोडीन. दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड मिनरल्स. मिनरल्स की आवश्यकता होती है, स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, बट चाहिए होते हैं हमारी बॉडी में डेली न्यूट्रिएंट्स में. दे आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज बट आर वेरी इसेंशियल. रोल ऑफ मिनरल, मिनरल का रोल क्या है हमारी बॉडी में? मिनरल्स लाइक विटामिन सपोर्ट द नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आर बॉडी. मिनरल्स जैसे विटामिन होते हैं वो हमारी नॉर्मल ग्रोथ में और हमारी बॉडी के डेवलपमेंट में हेल्पफुल होते हैं. दे ऑल्सो एक्ट एज एसेंशियल कॉम्पोनेंट इन मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि जितना हम फूड खाते हैं, जितनी एनर्जी हम अपने भोजन से प्राप्त करते हैं, उसे हमें हमारी बॉडी उसका इस्तेमाल, उसका कंजम्पशन कैसे करती है, दैट इज नोन एज मेटाबॉलिज्म. और उसके लिए मिनरल्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती है. एक नीचे टेबल दिया गया है और पेज नंबर 20 जो ये बता रहा है कि कौन कौन से मिनरल्स हैं, उनके सोर्सेस क्या हैं, फंक्शंस क्या हैं, नहीं खाएंगे तो कौन सी डेफिशिएंसी डिजीज हो सकती है और उन डिजीजेस से सिम्टम्स क्या हैं. प्लीज गो थ्रू द टेबल एंड अपनी नोटबुक में इसे लिखना है. देन वी कम टू वाटर. वाटर इज द मोस्ट इसेंशियल थिंग. जैसे हम कहते हैं पानी, आग और हवा जो है भोजन के साथ साथ बहुत इम्पॉर्टेंट है. अ पर्सन कैन लिव विदाउट फूड. इंसान जो है पानी के बगैर कुछ दिनों तक, कुछ वीक्स तक रह सकता है, बट वुड डाई इन अ फ्यू डेज फ्रॉम लैक ऑफ वाटर. लेकिन शायद पानी ना पीने से कुछ ही दिनों में उसकी मृत्यु हो जाए. 60-70% ऑफ आर बॉडी वे इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर. हमारी बॉडी का जो 60-70% जो भार है वो पानी ही है. वाटर इज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टिंग सब्सटेंस इन द ऑर्गेनिज्म. और वाटर की मदद से ही जो ऑर्गेनिज्म में सब्सटेंस एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, मतलब एनर्जी का फ्लो होता है. वेजिटेबल एंड फ्रूट कंटेन हाई परसेंटेज ऑफ वाटर. वेजिटेबल्स, फलों में और सब्जियों में सबसे अधिक मात्रा में वाटर होता है, पानी होता है. जो हम आजकल तरबूज खा रहे हैं, हम लौकी खाते हैं, तोरई खाते हैं, इनमें वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है. वी शुड ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर टू रिमूव वेस्ट एंड टॉक्सिन फ्रॉम आवर बॉडी. और हमें हर रोज करीब करीब 8-10 ग्लास पानी पीना चाहिए ताकि हमारी बॉडी में से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो बाहर निकल सके. इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर इन आवर डाइट. अब इस पानी की हमारी डाइट में क्या इम्पोर्टेंस है? इट हेल्प्स टू रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर. हमारी बॉडी के तापमान को निश्चित 98.6 से अगर हाई हो तो हम बुखार में पड़ जाते हैं, फीवरिश हो जाता है. तो उसको मेंटेन रखने के लिए वाटर इज वेरी एसेंशियल. इट हेल्प्स आवर बॉडी टू अब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड. और न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करने में हेल्पफुल है. इट हेल्प्स इन द एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन एंड स्वेट. और पसीने और यूरिन के रूप में हमारी बॉडी में जितने टॉक्सिन्स हैं, पॉइजनस
लिक्विड्स हैं उन्हें बाहर बॉडी से फ्लश आउट करता है. इट इज अ मीडियम ऑफ मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस ऑकरिंग इन आवर बॉडी. और हमारी बॉडी में जितने भी रिएक्शन केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो सब पानी की वजह से ही होते हैं. वाटर डेफिशिएंसी हो तो क्या होगा. वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट. हम सब जानते हैं कि पानी बहुत जरूरी है. डेली वी लूज वाटर इन द फॉर्म ऑफ स्वेट एंड यूरिन. और डेली हम पसीने के रूप में और यूरिन के रूप में बहुत सारा अमाउंट पानी का अपनी बॉडी से फ्लश आउट करते हैं. सो टू मेंटेन द बैलेंस वी शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर डेली. सीवियर लॉस ऑफ वाटर सोल्यूबल मिनरल्स फ्रॉम द बॉडी कॉजेज डिहाइड्रेशन मेकिंग द बॉडी वीक. और इस कमी को पूरा करने के लिए मतलब इस साइकिल को कंप्लीट करने के लिए जितना पानी हमारी बॉडी से फ्लश आउट हो रहा है उतना ही हमें पीना भी है. अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाएंगे जिससे क्या होगा हमारी बॉडी जो है वो कमजोर हो जाएगी. द ब्लड गेट थिकर इन डिहाइड्रेशन. ब्लड जो होता है वो थिक हो जाता है गाढ़ा हो जाता है डिहाइड्रेशन के दौरान. एंड देयरफॉर इट मूव्स वेरी स्लोली इन द बॉडी कॉजिंग सेवियर पेन एंड क्रैम्प्स इन द मसल्स. हमने आप सबने ध्यान दिया होगा कि जब हम बीमार होते हैं बुखार होता है हमें या कोई और भी प्रॉब्लम होती है तो हमारी बॉडी में एक्स एंड पेन्स होते हैं. इसका क्या मतलब होता है कि हमारी बॉडी में पानी की कमी हो गई है जिसकी वजह से हमको ये दर्दें हो रही हैं. दिस कंडीशन कैन बी ट्रीटेड बाय ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन ORS पीकर. हम इसे ORS हम घर में भी बना सकते हैं. चीनी नमक का घोल जिसे बोलते हैं उसको पीकर हम इस डिहाइड्रेशन से बच सकते हैं. और ORS सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट शुगर एंड वाटर एज वेल एज सून एज पॉसिबल. और अगर डिहाइड्रेशन कभी हो जाए तो आप या तो ORS का पैकेट लेना स्टार्ट करिए पानी में घोलकर, नहीं तो शुगर वाटर और सॉल्ट का एक सॉल्यूशन बनाकर उसे पीना शुरू करिए. Hence, drinking water after regular interval of time keeps us fit and healthy. इसीलिए निश्चित समय पर पानी पीना बहुत आवश्यक है. But remember, do not wait for being thirsty for drinking. लेकिन ऐसा भी मत समझिए कि जब मुझे प्यास लगेगी मुझे तभी पानी पीना है. This is a wrong notion. Because when we feel thirsty, water deficiency has already taken place in the body. क्योंकि जब हमें प्यास लगती है तो वो deficiency automatically हमारी body show कर रही है कि हमारी body में dehydration start हो गई है. तो thirsty होने से पहले ही प्यास लगने से पहले ही regular पानी का intake बहुत important है. Roughage. नेक्स्ट कंपाउंड इज रफेज. रफेज इज ऑल्सो कॉल्ड फाइबर. जो हम कहते हैं कि आटा छान कर नहीं खाना चाहिए, मम्मी आटा गूंथती है तो उसमें रफेज होना चाहिए, हमें मारी बिस्किट खाने चाहिए, डाइजेस्टिव बिस्किट खाने चाहिए. तो ये फाइबर क्या है. ये फाइबर वो सब्सटेंस है जो भोजन को पचाने में हेल्प करता है. सलाद खाना चाहिए, खीरे में रफेज होता है, एंड स्प्राउट्स खाने चाहिए जिससे हम जो खाना खा रहे हैं वो ठीक से डाइजेस्ट भी हो. Roughage is also called fiber. It does not contain any nutrient but still plays an important and essential part of every healthy diet. हालांकि इसमें कोई न्यूट्रिएंट नहीं होता बट फिर भी ये हमारी डाइट का सबसे इम्पोर्टेंट और हेल्दी पार्ट होता है. In fact, it is the undigestive part of carbohydrates. Most vegetables, fruits and whole grains provide roughage in our body. और कहाँ से मिलता है. ज्यादातर जो सब्जियां हम खाते हैं, फ्रूट्स हम खाते हैं और साबुत अनाज जो हम खाते हैं उससे हमें रफेज मिलता है. इट इज एडवाइज टू कंज्यूम होल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स रादर देन देयर जूसेस. इसीलिए ये कहा जाता है कि अगर आप फ्रूट्स खा रहे हैं तो आप फ्रूट्स डायरेक्टली खाइए बजाय कि आप उसका जूस पिए. अगर आप वेजिटेबल्स खा रहे हैं तो कोशिश करिए सलाद के रूप में उसे कच्चा खाइए. एंड ऑल प्लांट प्रोडक्ट्स कंटेन रफेज इन द फॉर्म ऑफ सेल्यूलोज. हर प्लांट प्रोडक्ट में रफेज होता है और इसका नाम दिया गया है सेल्यूलोज. सेल्यूलोज स्वेल्स अप इन द इंटेस्टाइन बाय absorbing water. It thus adds bulk to the feces and keeps it soft. आपने बहुत सुना होगा कि मेरे को constipation हो रही है और मैं ठीक से अपना पेट clean नहीं कर पा रहा हूँ. This is because of the lack of roughage. अगर हमारी body में roughage की कमी होगी तो digestive system को ये जरूर खराब करेगी. And importance क्या है. It prevents constipation, कब्ज को हटाती है and ensure proper bowel movement और हमारे पेट को साफ करने में सहायक है. It provides a bulk on which the muscles of the intestine can act. This helps our body to get rid of undigested food. और जो food undigested है, जो पच नहीं पाया है उसे भी हमारी body से flush out करता है. ये सब चीजें हमने पढ़ ली कि व्हाट आर विटामिन्स क्यों चाहिए हमें, कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स क्यों चाहिए. नाउ द बिगर क्वेश्चन इज ऑफ अ बैलेंस डाइट. अब ये संतुलित आहार क्या है. बैलेंस डाइट इज द डाइट विच फुलफिल्स ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ आर न्यूट्रिएंट्स ऑफ आर बॉडी. हमारी बॉडी को जितने न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता हुई, प्रोटीन्स की, कार्बोहाइड्रेट्स की, फैट्स की, मिनरल्स की, उसको प्रॉपर मात्रा में लेना, अपने भोजन में शामिल करना इज नोन एज बैलेंस डाइट.
अ बैलेंस्ड डाइट कंसिस्ट ऑफ एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स, उसमें एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स मतलब कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए, फैट्स होने चाहिए, बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स में प्रोटीन्स होने चाहिए, विटामिन एंड मिनरल्स होने चाहिए और पानी का भी महत्वपूर्ण रोल है। देन मैल न्यूट्रिशन, और अगर हम ये संतुलित भोजन तो खाएंगे लेकिन एक तरह का भोजन रोज रोज रिपीट करेंगे, या हम प्रॉपरली अपने खाने में इन न्यूट्रिएंट्स को शामिल नहीं करेंगे तो क्या होगा? मैल न्यूट्रिशन, इफ अ पर्सन डज नॉट ईट एडिक्वेट फूड ऑन हिज डाइट डज नॉट विच डज नॉट कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स देन दैट पर्सन बिकम्स वीक। उससे क्या होगा कि वो व्यक्ति कमजोर होता जाएगा। हेंस व्हेन द बॉडी डज नॉट गेट एडिक्वेट न्यूट्रिशन इट इज सेड टू बी सफरिंग फ्रॉम मैल न्यूट्रिशन। और जब भोजन में पर्याप्त हमें संतुलित आहार नहीं खाएंगे तो हमारी बॉडी जो है मैल न्यूट्रिशन का कुपोषण का शिकार हो जाएगी। चिल्ड्रन आर मोर प्रोन टू मैल न्यूट्रिशन देन एडल्ट्स, और ये प्रॉब्लम बच्चों में ज्यादा आती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा नखरे करते हैं, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, बट उन्हें समझना चाहिए कि वॉट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ईच न्यूट्रेंट इन आर बॉडी। द ओनली रेमेडी ऑफ मैलन्यूट्रिशन इज टू टेक अ बैलेंस्ड एंड हाइजीनिक डाइट, और इस मैलन्यूट्रिशन को भगाने के लिए, अपनी बॉडी को प्रॉपर रखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है बैलेंस डाइट खाना और हाइजीनिक मतलब साफ सुथरा भोजन खाना। इफ पल्सेस राइस चपाती ग्रीन वेजिटेबल एंड अ बिट ऑफ जैगरी आर ईटन रेगुलरली एंड इन एनफ क्वांटिटी दे विल प्रोवाइड ऑल द नरिशमेंट दैट द बॉडी रिक्वायर्स। इन एडिशन इफ वी कैन ईट बनानास बीट्स टमाटो कैरेट गुआवा कोकम्बर लेमन ड्राई पपाया आमला एक्सेट्रा आर बॉडी विल ऑल्सो गेट द इसेंशियल विटामिन्स मिनरल्स वाटर एंड रफेज दैट इट नीड्स। मतलब सब तरह की सब्जियां खानी है, मौसमी फल खाने हैं, वेजिटेबल्स और सब्जी फ्रूट्स को अपने भोजन में सम्मिलित करना है और उसके साथ साथ वाटर और रफेज को भी अपनी जरूरत, अपनी बॉडी की जरूरत के हिसाब से अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। अटेनिंग गुड हेल्थ, जिससे हमें अच्छी हेल्थ मिले, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे। वी हैव स्टार्टेड द इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट बट वॉट इज इक्वली इम्पोर्टेंट इज द राइट वे ऑफ ईटिंग। अब ऐसा नहीं है कि हम प्लेट में खाना भर के बैठ गए, एक ही तरह का खाना, हमें खाने को बैलेंस भी करना है और उसे किस तरह से खाना है प्रॉपरली इसका भी ध्यान रखना है। च्यू द फूड वेल, खाने को अच्छे से चबाइए। फूड शुड बी कुक्ड इन सच अ वे दैट ऑल द न्यूट्रिएंट्स कैन बी सेव्ड, ऐसा ना हो कि हम उस भोजन को इतना तल ले भून ले या स्टीम कर ले कि उसके न्यूट्रिएंट्स ही मर जाएं। वॉश द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट फर्स्ट देन पील और कट देम, किसी भी फ्रूट्स या वेजिटेबल को खाने से पहले उसे अच्छे से धोइए और उसके छिलके उतारिए। रिपीट वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस मेनी मे रिमूव सम विटामिन एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन देम। अगर हम चावल और दाल को बार 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 धोएंगे तो उसमें जो भी मिनरल्स है वो पानी के साथ ही बह जाएंगे। अवॉइड ड्रिंकिंग वाटर ड्यूरिंग द मील्स एज इट डायल्यूट द इफेक्ट ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, और कोशिश करिए कि खाना खाते समय बीच बीच में पानी ना पिए क्योंकि जो डाइजेस्टिव एंजाइम बन रहे हैं वो इस पानी के साथ घुल जाएंगे। एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। देयर आर फ्यू कीवर्ड्स गिवन, फर्स्ट इज न्यूट्रिएंट्स, एंजाइम, हीमोग्लोबिन, हार्मोन्स, डिफिशियंसी डिजीजेस, मेटाबॉलिज्म, रफेज, डिहाइड्रेशन, सेल्यूलस, मेल न्यूट्रिशन। यू हैव टू गो थ्रू दिस कीवर्ड एंड राइट देम इन द कॉपी। देन चैप्टर से हमने क्या एसेंस लिया, ये है चैप्टर इन अ नटशेल। जितना भी हमने इस चैप्टर में पढ़ा वो सब यहाँ पर हमें नटशेल में मिलेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में वी हैव टू टेक द करेक्ट आंसर्स, फिल इन द ब्लैंक्स, देयर आर ट्रू एंड फॉल्स, फिर देयर इज मैच द कॉलम्स। सब्जेक्टिव टेस्ट में आपको वेरी शॉर्ट आंसर्स लिखने हैं, बस वन वर्ड विल बी इनफ। शॉर्ट में भी आपको वन सेंटेंस में आंसर देने हैं। एंड लॉन्ग में वी हैव टू मार्क द क्वेश्चन आंसर्स फर्स्ट एंड देन अपने पेरेंट्स से चेक कराइए और फिर इसके बाद कॉपी में करिए। एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू जस्ट कॉल टू मी बिटवीन 6 to 7। I'll be giving all the answers of your queries. So please make sure कि आप इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ें और कोई प्रॉब्लम आए तो आप एक बार बात जरूर कर लें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस टाइम। बाय बाय।